हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं और ये वीडियो है कल का, सुबह से मैंने शुरू किया है और कुछ 15 मिनट पहले मैं जाग चुकी थी, बट अभी आई हूँ बाहर देखने के लिए सूर्यदेव के दर्शन के लिए। यूजुअली जब मैं जागती हूँ तब तक सूर्यदेव नहीं जागते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे पास अभी बहुत टाइम है सुबह के मेरे काम निपटाने को। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हम लोग है ना वीकेंड पे जो फल सब्ज़ी ग्रॉसरी ये सब शॉपिंग करके रखते हैं आने वाले एक हफ्ते के हिसाब से, लेकिन अभी जो वीकेंड गया था उसमें एक दिन तो था उत्तरायण, और फिर मैं डी मार्ट भी चली गई थी शॉपिंग करने के लिए, अगर आपने वो व्लॉग देखे हों तो। ये सब चक्करों में ना मैं फल सब्ज़ी लेने नहीं जा पाई, तो इस वक्त मेरे पास कोई भी फल सब्ज़ी है नहीं। आप सोचते होंगे दी जब देखो आप आलू पनीर उठा के बैठ जाती हो, तो मैंने एक दिन ब्लिंकिट से मंगाए भी थे, नहीं इंस्टामार्ट से मंगाई थी सब्ज़ियाँ, और अच्छी नहीं आती है। मतलब अभी मार्केट में इतनी बढ़िया फ्रेश हर तरह की सब्ज़ियाँ हैं, पर उनका स्टॉक हमेशा पुराना ही आता है, तो फिर मेरा ना मन मर जाता है भुजी हुई सब्ज़ियाँ देखकर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं थोड़े एफर्ट ले लूँगी और इस मार्केट नहीं उस मार्केट चली जाऊँगी, बट मुझे सब्ज़ियाँ जितनी फ्रेश हो उतना कुकिंग में मन लगता है। तो अभी इसलिए आप देख रहे हो आज मैं फिर से आलू बना रही हूँ। अब क्या करें, मजबूरी है, तो मैं थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के आज आलू बना के दे रही हूँ बच्चों को। उनको तो रोज़ आलू दे दो, रोज़ पनीर दे दो, उनका चलता है। मुझे समवेयर गिल्टी होती है कि नहीं थोड़ा सा वैरायटी करना चाहिए, बट हो गई चूक, नहीं मिला मुझे टाइम वीकेंड पे, नहीं मिली सब्जियाँ ना मिले फल। मैंने सब्जियां बना ली हैं, पराठे भी बना दिए हैं, बच्चों का दूध भी गर्म हो गया होगा, और अब मैं बाहर आई हूँ तो अब सूरज देव दिखने लगे हैं, सनराइज़ हो रहा है, बट इतना टाइम नहीं है कि बैठकर मैं ब्यूटी एंजॉय करूँ। मैं वापस आ गई हूँ किचन में, दूध जो है थोड़ा रूम टेम्परेचर आ गया, मैं इसको ना फुल बॉयल कर लेती हूँ सुबह में एक बार, जितना उनको देना होता है, सारा सारा नहीं, और उसके बाद फिर वो अपने आप रूम टेम्परेचर आ जाता है तो फिर वो दूध मैं उन्हें देती हूँ। फ्रिज का लाया हुआ दूध सिर्फ ल्यूक वार्म करके मतलब पीने के लायक बना कर देने से ना ऐसा कहते हैं कि कफ बैठ जाता है, इसलिए उसे फुल बॉयल एक बार कर लेना चाहिए। सारी चीज़ें रेडी हो गए, फटाफट से डब्बा लगा लेंगे, डब्बे में जा रहे हैं आज फिर आलू की सब्ज़ी, थोड़ी अलग स्टाइल से बनी हुई, थोड़े अलग स्टाइल से कटी हुई भी, साथ में पराठे, तिल बुग्गे मैंने बनाए थे, और इसके पहले वाली जो वीडियो है उसमें रेसिपी शेयर की थी, आपने मिस किया है तो चेक जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है, कम इन्ग्रीडियंट में बन जाती है एंड ये टेस्टी भी बड़े लगते हैं, विंटर्स में ना अच्छा लगता है तिल की इस तरह मिठाइयाँ खाना। और साथ में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़, ये पहले की ही रखी थी बट अच्छी तरह से मैंने स्टोर कर दी थी, तो अभी तक एकदम फ्रेश बनी हुई हैं। और बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद सुबह के जो काम होते हैं, नाश्ता वगैरह होता है, फिर हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, और उसके बाद फिर मैं जो घर समेटने के काम होते हैं ना उसमें लगती हूँ, और इस वक्त है ना मेरी डोमेस्टिक हेल्प आती हैं, शी हेल्प्स मी विद स्वीपिंग एंड मॉपिंग, तो डस्टिंग तो मैं ही करती हूँ, तो वो ये सब काम करती चली जाती हैं और उनके साथ साथ मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, तो साथ साथ सारे काम हो जाते हैं।
सुबह में एक बार घर के काम से फ्री हो जाएं तो थोड़ा सा फिर तैयार होना आफ्टर शावर अच्छा लगता है, लगता है कि हम दिन के लिए अभी तैयार हैं। थोड़ा बहुत मेकअप करना हम सभी को अच्छा लगता है, बट जितना ज़्यादा हम लोग को मेकअप करना पसंद आता है ना, उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एक डर भी रहता है कि मेकअप लगाने से कहीं हमारी स्किन ना ख़राब हो जाए, स्किन कहीं ड्राई डल ना हो जाए, है ना। और कहीं ना कहीं हम सभी ये चाहते हैं कि मेकअप लगा के अगर हमारी स्किन इन्हांस हो जाती तो कितना अच्छा रहता। और ऐसे ही एक प्रोडक्ट के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये है दी डर्माकोस 2% नियासिनमाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम दैट इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मेकअप एंड स्किन केयर। इसमें है नियासिनमाइड दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्ने मार्क्स एंड स्पॉट्स एंड इवंस आउट द स्किन टोन। साथ में है 1% हाइलुरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स एंड एक्वाक्सिल। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ स्किन इवन टोन होती है बल्कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी हाइड्रेशन मेकिंग द स्किन इवन एंड प्लम्प, एंड इट हैज़ अ वेरी लाइट वेट एंड नॉन ग्रीजी फॉर्मूला। इसे आप एवरीडे इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कभी भी आप एक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट्स आपकी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं, मेक श्योर यू यूजिंग अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन टू अवॉइड सन डैमेज, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू डू अ पैच टेस्ट। अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, मेक श्योर यू यूजिंग माई डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2023। इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे 20% का डिस्काउंट वेन यू प्लेस योर ऑर्डर थ्रू दी डर्माकोस ऑफिशियल वेबसाइट। दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड नाइका, बट विदाउट माई डिस्काउंट कोड। बट एवरी टाइम वेन यू बाय फ्रॉम दी डर्माकोस, दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प टू एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि, एंड दे हैव प्लेज्ड टू एजुकेट 10,000 प्लस स्टूडेंट अक्रॉस द ईयर। ऑल्सो ऑल न्यू दी डर्माको प्रोडक्ट्स आर फ्रेग्रेंस फ्री टू। सभी बाइंग लिंक्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक जरूर कीजिएगा। झाड़ू पोछा उन्होंने कर दिया, डस्टिंग मैंने कर दी, कपड़े मैंने सुबह में लगा ही दिए थे और बर्तन बस अभी हो गए हैं, और मैंने सुबह में जो आलू बनाए थे वो बनाए थे मेरी इस आयरन की वॉक में, तो इसे तुरंत खाली करके ना मैंने आलू निकालना ज़रा भूल गई थी, काम में बिजी हो गई थी, 2-4 चंक आलू के इसमें रह गए थे, तो तुरंत ही मैंने इसको क्लीन करके ना सूखा करके पका लिया है। ऐसा करने से, वैसे तो मैं ये कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन तुरंत ही आप बर्तन को धोकर पका लेना तो फिर इसे तेल वेल लगा कर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे ही बढ़िया हो जाता है, इसमें कोई जंग वंग नहीं लगेगा। अगली बार जब आप यूज़ करना चाहें आपका आयरन का बर्तन तो वो एकदम ही तैयार मिलता है इस्तेमाल करने के लिए। बस करना यह है कि जब भी आप उसे इस्तेमाल करें तुरंत खाली करके धुल करके उसको पका लीजिए। और बच्चे लोग स्कूल से आएंगे तो थोड़ा सा आज मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने जल्दी ही तैयारी शुरू कर दी है। बारीक बारीक मैंने प्याज काट लिए हैं। वैसे तो शानू तो बिल्कुल नहीं खाती कच्चे प्याज, खुशी थोड़ा बहुत खा लेती है, बट इस रेसिपी में अच्छा लगता है प्याज, इसलिए आपको तो मैं प्रॉपर रेसिपी ही दूंगी ना, इसलिए मैंने प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं। एक मिर्ची काटी थी जिसके बीच छोड़ करके जो स्किन है सिर्फ वो ही मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और इसमें है ना आधे नींबू का रस मैं निचोड़ दूंगी। आप चाहें तो 1-2 चम्मच है ना विनेगर भी ले सकते हो। मैं है ना बनाने वाली हूँ एग रोल, एग पनीर रोल, और उसमें इस तरह से मिर्ची और प्याज का एक सैलड जैसा बनाकर डाला जाता है जो यू नो विनेगर के साथ एसेंशियली बनाया जाता है, एक क्विक सा सैलड होता है। पर नींबू का टेस्ट एनी डे विनेगर से बेटर लगता है, बट चॉइस आपकी है। आप चाहें तो मैंने विनेगर नहीं डाला है, नींबू डाला है, आप चाहें तो नींबू डालें विनेगर डालें और साइड में रख दीजिए, पहले ही करके रख दीजिएगा तो इससे है ना अच्छी हो जाती हैं फिर प्याज खाने के लिए तैयार। और इस रेसिपी में जाएगा पनीर भी, तो पनीर को आप जैसे चाहें वैसे काट लीजिए आपकी डिज़ायर्ड शेप में साइज़ में। मैं बस ऐसे मीडियम साइज़ के क्यूब्स निकाल रही हूँ। और अभी ये पनीर को मैरिनेट करेंगे, तो दही एक तरफ थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा, आप घर में दही जमाते होंगे और उसे इस तरह किसी बर्तन में स्टोर करते होंगे ना फ्रिज में, तो आपने देखा होगा पानी एक तरफ आ जाता है और थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा दही एक तरफ हो जाता है, तो वही गाढ़ा सा दही मैंने 3 चम्मच जैसा यहाँ पर ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा लाइक 1/2 चम्मच जैसा मस्टर्ड ऑयल, कच्चा ही मस्टर्ड ऑयल है, मैंने इसको पकाया नहीं है। थोड़ा सा इसमें गार्लिक मैं ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो पाउंड करके भी ऐड कर सकते हो। चुटकी भर हींग ऐड कर रही हूँ, भुना जीरा का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर,
काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है मैंने, थोड़ा सा रेगुलर रेड चिली पाउडर और स्वाद के हिसाब से नमक, एंड देन इसके बाद ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। आप चाहें तो इसको स्पून से या जो विस्क होता है ना उससे फेंट लीजिए, बट मैरिनेट को इस तरह से मसल मसल के तैयार किया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बढ़िया स्मूथ बनता है। तो मैं ऐसे ही फेंट लूँगी ये सारे मसाले के साथ दही को। और अभी ये जो मैरिनेशन हो गया है हमारा रेडी, इसके अंदर जो पनीर काट करके रखा था वो मैं कोट कर दूँगी सारा पनीर। कोशिश करेंगे कि सारा ही पनीर इसमें कोट हो जाए, वैसे तो हो ही जाएगा। मैंने थोड़ा सा आई बॉल करके लिया था क्वांटिटीज़, लेकिन बराबर ही पड़ गई थी। और दही तो मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल दही ले लिया था, आप हंकर्ड भी ले सकते हो, अगर रेगुलर पतला दही है तो वो भी आप ले सकते हो, काम तो हो ही जाएगा। इवेंचुअली हमें इसे पकाना ही है और ये मैरिनेट किया हुआ पनीर आप जितना ज़्यादा मैरिनेट कर पाएँ एसेंशियली लाइक 1 आवर उतना बेहतर है, बट टाइम नहीं है तो फिर जितनी बाकी तैयारियाँ आपको करनी है उतनी तैयारियाँ कर लीजिए और उतनी देर फिर ये मैरिनेट होता रहेगा। तब तक हम लोग जो हमारे एग रोल है ना, इसके लिए जो चपाती बनानी है उसके लिए डो तैयार कर लेंगे। तो डो बनाने के लिए मैंने जो रेगुलर चपाती वाला आटा रहता है ना वही लिया है, थोड़ा सा अजवाइन ऐड किया है, थोड़ा सा नमक ऐड किया था और थोड़ा सा मोइन के लिए ऑयल, और इसके बाद इसका एक पराठे वाला डो बना लेंगे। वैसे तो ट्रेडिशनली ये जो रोल होता है इसके लिए जो चपाती बनती है, पराठा बनता है बेसिकली, वो लच्छा पराठा बनता है और वो जो डो होता है वो मैदे से लगाया जाता है, बट क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं मैदा नहीं ले रही हूँ, मैं गेहूँ के आटे से ही बनाएंगे लच्छा पराठा ही। और ये एकदम सॉफ्ट आटा हो चुका है तैयार, तो इसको रख देंगे अभी साइड में, इसको भी रेस्टिंग टाइम मिल जाएगा। मीनवाइल जो हमने पनीर तैयार किया है ना इसे प्रोसेस कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसे स्क्यूअर में लगा सकते हैं, इसके साथ थोड़े से अनियन, कैप्सिकम, टमेटोज, टिक्का स्टाइल में भी आप इसको कर सकते हो, बट देन दैट विल बी पनीर टिक्का रोल, तो आपको वो चाहिए तो वो वेरिएशन आप कर सकते हो। क्योंकि हम लोग पनीर एग रोल बना रहे हैं इसलिए मैंने इसमें और सब्ज़ियाँ नहीं डाली हैं, मेरे पास तो थी भी नहीं आपको पता है। तो यहाँ पर है ना ये जो पनीर है ये सारा मैंने तवे के ऊपर डाल दिया और इसको कुक करेंगे फुल फ्लेम पे। हाँ, थोड़ा तवा अच्छी तरह गर्म कर लें, फ्लेम फुल कर लें, और उसके बाद ये सारा जो पनीर है मैरिनेटेड ये इसके ऊपर ऐड कर दीजिए और इसको पकाते जाइए फुल फ्लेम पर। इसको कुक करते जाइए, थोड़ा थोड़ा सा टर्न करते जाइए जिससे सारी साइड्स अच्छी तरह पकती जाएं। आप नोटिस करेंगे कि इसका जो करी जैसा बन गया था ना, लिक्विड जैसा बहुत सारा आ गया था तवे पे, वो धीरे धीरे अपने आप ड्राई अप हो जाएगा। पनीर को उसमें टॉस करते रहिए जिससे सारा जो मसाला है वो पनीर को चिपक जाए। और ये जो पनीर है ना इसको तवा पे मत रहने दीजिएगा, तुरंत तवा से उतार लीजिए, अदरवाइज ये उस पर ना, क्योंकि हीट है और इसमें फैट्स हैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये कुक होता चला जाएगा और बाद में च्यूई हो जाएगा। तो जैसे ये कुक हो गया है ये देखें आप कितना अच्छा, कहीं कहीं पे रेड स्पॉट्स भी दिखने लगे हैं। बस मैंने इसको निकाल लिया है, अब पराठा बनाएंगे। और एग रोल के लिए एग भी बीट कर लेंगे। तो ये जो एग्स हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाता है, सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर, बिल्कुल चुटकी भर नमक और आपके स्वाद के हिसाब से पेपर डाल करके इसको फेंट करके पहले से रेडी कर लें। और अभी जो है हम लोग फटाफट से लच्छा पराठा बना लेंगे। अब लच्छा पराठा कई तरीक़ों से बनता है, अब जैसे ये बेसिकली बनता तो मैदा से है लेकिन हमने इसको बनाया है गेहूं के आटे से। आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, 50-50 कर सकते हैं गेहूं का आटा और मैदा, तो उससे और भी ज़्यादा वाइट एंड ज़्यादा फ्लेक्सिबल सा डो बनेगा, बट गेहूँ के आटे से भी अच्छा बन जाता है। और लच्छा पराठा बनाने के भी कई तरीके होते हैं, मैं मेरे हिसाब से सिंपल वाला बना रही हूँ। एक बड़ी सी रोटी मैंने बना ली है, इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट किया था और इसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल स्मियर कर देंगे हर तरफ अच्छी तरह, और फिर एक साइड से रोटी को पकड़कर इस तरह कभी एक बार आगे की तरफ और एक बार पीछे की तरफ इस तरह फोल्ड करते जाएंगे, इसमें प्लीट्स देते जाएंगे। फिर ये जो प्लीट किया हुआ रोटी है ना इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे, रोल करेंगे जैसे आप देख रहे हैं, और फिर जो लास्ट में एक एज रह जाती है उस एंड को पीछे की साइड से टक कर देंगे, एंड देन इसको हाथों से स्प्रेड कर लें और रोल कर लीजिए इनटू अ पराठा।
और यहाँ पर जो बेला हुआ पराठा है उसमें भी अच्छी तरह से लच्छे दिख रहे हैं, ये सिकता जाएगा तो अपने आप लच्छे खुलते चले जाएंगे। अब आप इसे घी में, बटर में, ऑयल में जैसे चाहे सेक लीजिए दोनों तरफ से, और जैसे जैसे ये सिकता आएगा ना ये अपने आप थोड़ा थोड़ा खुलता भी जाएगा और इसमें आपको वो सर्कुलर चित्तियाँ भी दिखेंगी। दैट शोज़ अ ब्यूटिफुल लच्छा पराठा इज़ इन मेकिंग। और एक बार पराठा तैयार हो जाएगा तो इसके बाद फिर पोर करेंगे सेम पैन में एग। मेरा ये पैन पता नहीं क्यों बीच में से थोड़ा सा उठा हुआ है, आपने देखा मैंने अंडा फैलाया तो सारा कोने में चला गया, इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ इसे राउंड बनाने का। और इसके ऊपर चिपका देंगे अपना पराठा। और जो पराठा है ये तो पहले से ही सिका हुआ है और जो एग है उसे सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा देर इसको सेकेंगे। और जो हमारा बेस है एग रोल का वो हो गया है रेडी। अब यहाँ पर है ना आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं, एक तो ये जो हमने बनाया है पराठा जिसमें एग लगा हुआ है इसमें सीधे अंदर सॉसेस वगैरह लगा के, प्याज वगैरह लगा के आप खा सकते हैं, तो ये हो गया क्लासिक एग रोल। बट आपने कुछ और बनाया जैसे मैंने पनीर बनाया, आप मीट भी बना सकते हो, चिकन वगैरह, तो वो यहाँ लेयर कर सकते हैं। और चटनियों में आप कोई भी चटनी ले सकते हो, आप हरी चटनी ले सकते हैं, आप मेयो ले सकते हो, आप हंकर जो होता है हरी चटनी में मिला हुआ उसको भी ले सकते हो, जो भी आपको पसंद आती है वो वाली चटनी की एक लेयर लगाएं। और इसके बाद फिर मैंने पनीर लाइन करा है और इसके ऊपर से जो हमारा सैलड तैयार किया था शुरू में वो लाइन किया है, एंड देन रोल कर लीजिए। और ये एग रोल है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मैं जब भी बनाती हूँ सबको पसंद आते हैं, हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट अभी वो ऑफिस में थे तो बन भी जल्दी ही जाते हैं एंड काफ़ी फिलिंग भी होते हैं। एक एग रोल इज़ लाइक इनाफ। आप इसे स्कूल के लिए भी दे सकते हो अगर स्कूल में अलाउड हो एग, मैं नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल में एग्स अलाउड नहीं है, तो मैं दूसरा पहला वाला जो था वो मैंने खुशी के लिए बनाया था, उसमें थोड़ी प्याज वगैरह लगाई थी, लेकिन शानू प्याज व्याज नहीं खाती है तो उसके एग रोल में मैं वो सैलड जो है वो नहीं लगाने वाली हूँ। सीधे से पराठे के ऊपर थोड़ी सी चटनी लगाई है मैंने, देन पनीर के चंक्स प्लेस करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा नींबू की बूंदे पनीर के ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, इसे रोल कर लेंगे एंड देन जो फूड रैप है इसमें फोल्ड भी कर लेंगे। और ये हो गया है बहुत ही सुंदर एग रोल तैयार। बस थोड़ी सी गार्निश के हिसाब से मैंने ये सब लगाया, आई नो वो खाने से पहले इसको रिमूव कर ही देगी इसलिए मैंने बस ऊपर पर लगाया, अंदर नहीं डाला है। अब सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ शाम में। दूध जो है सुबह हस्बैंड ले आए थे लेकिन मेरा थोड़ा ना दिमाग से निकल ही गया दूध उबालना है करके, तो दूध अभी मैंने चढ़ा दिया उबालने के लिए। साथ में बना रही हूँ हमारे लिए चाय, गुड़ वाली चाय ही बन रही है और बच्चों के लिए दूध उबल रहा है। और शर्मा जी ऑफिस से आ गए थे तो फिर उन्होंने चाय नाश्ता किया थोड़ा, इसके बाद अभी मेरा डिनर नहीं बनाया है, प्लान हुआ मम्मी पापा के पास जाने का तो हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, डिनर मैं आकर के बनाऊंगी। और हम लोग मम्मी पापा को मिलने गए थे ना तो वहाँ पे बातों बातों में मुझे पता चला, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था, उन्होंने बताया तब मालूम पड़ा कि आज एकादशी है। मेरा प्लान ये था कि मम्मी पापा से मिलकर आती हूँ फिर आकर के फटाफट से मैं तारी छोक दूँगी तो वन पॉट मील हो जाएगा, बहुत जल्दी बन जाती है वो, और बस डिनर के लिए मतलब डिनर सीन विल बी सॉर्टेड। लेकिन मम्मी ने कहा एकादशी है तो अब चावल तो पक नहीं सकते, तो फिर मैंने तुरंत सोचा कि ठीक है मैं बना लेती हूँ दलिया, मटर वाला दलिया, ये भी एक क्विक
बेसिक सा वन पॉट मील है और ये बहुत बढ़िया लगता है। मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी एंड ये 10 मिनट रेसिपी आप फटाफट इसे बना सकते हो और विंटर डिनर के लिए, लंच के लिए एक अप्रोप्रिएट रेसिपी है ये। और थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा हो ही गया था डिनर बनाने के टाइम से, इतना भी पर लेट नहीं थे हम लोग, लेकिन रैप अप करते करते ना फिर सोने के लिए बहुत लेट हो जाता। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि क्या आप थोड़ा प्याज टमाटर काट दोगे, तो वो ना हेल्प कराने के लिए तैयार रहते हैं, प्याज टमाटर काटना उन्हें अच्छा भी लगता है, तो उन्होंने प्याज टमाटर काट दिए। मैंने यहाँ पर दलिया जो है भून लिया है और उन्होंने ना मेरे से 2 बार कन्फर्म करा कि बारीक काटनी है प्याज की मोटी मोटी, मैंने कहा बारीक काटनी है, उन्होंने फिर पूछा बारीक काटनी है प्याज, मैंने कहा हाँ बारीक काटनी है, और इतनी बारीक प्याज उन्होंने मुझे काट करके दी थी। मैंने कुकर के अंदर ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा जीरा ऐड किया था और बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। ये थोड़ा सा अच्छी तरह पक जाएंगे, एकदम लाल नहीं इनको भूनना है और ये वाले लाल जल्दी से होंगे भी नहीं। तो मैंने ये थोड़े अच्छी तरह पक गए थे तो इसमें हस्बैंड द्वारा बारीक कटे गए टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। इसमें ऐड किया है मैंने थोड़ा सा नमक, मसाले करेंगे बिल्कुल सिंपल बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ी सी चीनी के दाने, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। अभी ये जो मसाला है इसको अच्छी तरह से भून करके तैयार कर लेंगे। मैंने ज़रा सा पानी भी ऐड किया था इसको एकदम सॉफ्ट कुक करने के लिए, और अच्छी तरह भुना मसाला रेडी हो जाएगा। तो इसके अंदर ऐड करेंगे दलिया, और मैं मटर वाला दलिया कर रही हूँ इसलिए मैं मटर मिला रही हूँ। आप एक मुट्ठी इसमें दाल भी मिला सकते हो तो वो और भी अच्छा लगता है। एंड जो भी सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हों, कैरेट्स वगैरह, गोभी वगैरह, वो आप सब यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए। हम लोग दलिया थोड़ा सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं, मतलब एकदम खिचड़ी की तरह जो थोड़ा सा सॉफ्ट एंड लूज नहीं होता है उस तरह का, तो मैं पानी उसी हिसाब से मिला रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लें, थोड़ा नमक वगैरह यहाँ पे चेक कर लीजिए, और ढक्कन लगा करके दलिया को 3-4 सीटी मैंने आने दिया था। इसके बाद कुकर अपने आप ठंडा हो जाएगा, इसका प्रेशर निकल जाएगा, तब लिड ओपन करेंगे। और बस ये देखिए कितना बढ़िया दलिया रेडी है, मटर पक गया, दलिया पक गया। इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी, आपको जैसा कंसिस्टेंसी अच्छा लगता हो उतना पानी डालिएगा, बट एक बार बनाइएगा ज़रूर। आपके घर के बच्चे तो बहुत लाइक करने वाले हैं इस रेसिपी को, थोड़े दही के साथ है ना ये बड़ा ही मज़ेदार लगता है, देखने में भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। आई एम श्योर आज की वीडियो आपको पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।